कश्मीरी पुलवामा घटना के बाद जो बाहर देश राज्यों में कश्मीरी पढ़ रहे थे उनके मन में जो विचार और ये अवधारणा आ गई कि उनको देखो इस पर बैठे मैंने आज ही आज ही लिखा है और मैंने हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी बहुत तारीफ की है। आज आज का हिंदुस्तान टाइम्स फर्स्ट लीड है, सुप्रीम कोर्ट ने सच एडवाइस किया है सरकार को कि जितने कश्मीरी छात्र हैं कश्मीरी नागरिक हैं दूसरे अल्पसंख्यक हैं उनको डराने धमकाने भगाने हैरेस कर सब कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई और उसने वेणुगोपाल अटर्नी जनरल है उसका भी तो ऑलरेडी हो रहा है राजनाथ जी ने ये इशू कर दिया तो उनका नहीं कोई हमको मालूम है ऑर्डर जारी फिर से जारी किया और इसको ठीक से पब्लिसाइज किया क्योंकि उन बच्चों का विचार हुआ क्या है और मैं तो कश्मीर में रहा हूँ मेरी शेख अब्दुल्ला जी से भी बहुत डायलॉग हुआ जिस दिन जवाहरलाल जी का निधन हुआ शेख अब्दुल्ला जी पाकिस्तान वो आए उसके बाद उनसे मेरी भेंट हुई है दिल्ली में उस दिन दिल्ली में था उसके बाद शेख अब्दुल्ला जी को मैंने अपने यहाँ बोलने के लिए बुलाया स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज क्योंकि मैं वहाँ का जो स्टूडेंट्स एसोसिएशन था पोस्ट ऑफ का उसका प्रेजिडेंट उन्होंने फिर मुझे इन्वाइट किया मैं महीना भर पूरे कश्मीर कश्मीर में से मेरा होस्ट हुकूमत के लीडर्स लगभग एक आध कुछ सब मेरे घर आते अब मैं ये पब्लिकली नहीं बोलना चाहता हमारे नेताओं से मेरे जरिए उनका संपर्क और उनको मैं जो एक पक्का राष्ट्रवादी ढंग से कोई बात समझा सकता हूँ समझा मेरी बात मानते थे आज भी सब मेरे फोन पर सबसे अभी चाहूँ अभी बात कश्मीरियों के बारे में हमारे कोई जहर ना हो सकता कश्मीरियों से हम लोग बहुत प्रेम करते वी आर वेरी प्राउड ऑफ इन फैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि अवर कश्मीरी आर द रियल आर्यंस आर्यों का सच्चा रूप देखना है तो वो हमारे कश्मीर में और कश्मीरियों से देश में बहुत प्रेम करते लेकिन जब ये सब क्योंकि ह्यूमन नेचर मानव स्वभाव हर कश्मीर हर भारतीय देखो जितने लोगों ने इसलिए ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए गुस्सा आता है ना लोगों को उसको बर्दाश्त करना चाहिए और इस तरह के भेज भेज रहे कई लड़के कि मैं छोड़ ना समझी पोस्ट भेज देते हैं मैंने सिपाही भारत सरकार के मोदी के खिलाफ और किसी के खिलाफ वो नहीं भेजना चाहिए उसके भेजने से भी बहुत बुरा रिएक्शन होता है लेकिन मेरे जैसे लोग उनको बर्दाश्त करते हैं ठीक है अच्छे उनके यहाँ लोग परेशानी में हैं मेल भेज दिया कोई बात नहीं ठीक है साधारण जो आर्टिकल्स में लिखता हूँ कई बार अपने धंधे मेल्स लोग मुझे भेजते हैं क्या तो मैं तो बहुत बहुत देर भी रहा हूँ पहलवान भी रहा हूँ पहले मारा सुनी तो मेरा फार्मूला रहा तो मैं मारने की तैयारी करूँ उसके पहले मैं उसको छिप कर ऊँचा तो देखते सब उधर मैं सोचता हूँ यार लिख दिया इसलिए ठीक राइट टू डेट तो ये कश्मीरी नौजवान को कि उनको थोड़ा सहन चालीस हमारे एक सौ सिपाही मारे तो भाई इतना रिएक्शन तो होगा ही संयम रखे कश्मीरी भाई बहन भी सही हैं हमारे लोग भी सही हैं और थोड़ा सा असंयम होता है तो उसको बर्दाश्त उसको हिंसा में नहीं करेंगे आप मेरा भास्कर का आज का लेख पढ़िए उसमें मैंने क्या हालांकि 370 कदम कर लिखे उसमें मैंने देखो एक ऐसी सख्त बात की वास्तव की वो भी कह रहे थे मैंने कहा है कि कोई भी जिंदा या मुर्दा आतंकवादी जब पकड़ा जाए तो उसके घर के लोग उसके क्लोज रिलेटिव उनको उम्र के इसका मकसद उनको तकलीफ देना इसका मकसद उनके दिल में डर पैदा करना कि तुम्हारा बच्चा अगर आतंकवादी होता है तो
सबसे पहले पुलिस को कौन जाकर वो रूस और चीन चीन और उत्तरी कोरिया ये वर्षों वर्ष पर मरा है कि जो देशद्रोह का अपराध होता था उनके पूरे परिवार को अंदर दूसरा मैंने ये कहा है कि जिस मोहल्ले से आतंकवादी पकड़ा था उस मोहल्ले के सारे लोग 5000 लोग रहते हैं सबको कम से कम 1 साल की सजा है तो उससे किसी भी मोहल्ले में जाके आतंकवादी मोहल्ले का कोई आदमी जाके चौधरी मानू मारो ना चौधरी मानू मारना मन है और मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान भी हमारा कोई पाया है उनको भी जोड़ना है उनको भी मिलाना है वो भी हमारे हजारों साल से हमारे साथ सिर्फ 70 साल से तो प्रेम की भावना अंदर बहुत है बर्दाश्त की भावना भी बहुत है लेकिन ये है कि शक्ति भी उतनी जोड़दार शक्ति में कमी है इसे मैंने कहा ना कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता 6 बजे के पहले कर और पहले कार्रवाई करनी आपको वर्षों तैयारी करना वर्षों से आपको एक पूरी फोर्स को तैयार एयरफोर्स को तैयार मिसाइल्स को तैयार ड्रोन्स को तैयार इधर हो रहा है और प्रेमयुक्त घायल होंगे उनके लिए सबसे पहले दवाई दे सब लोग हमारे हैं